नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमन प्रिया खन्ना है। मैं एक मेटाबॉलिक और बेरियाट्रिक सर्जन हूँ। आज हम अलूरियन वेट लॉस बलून के 16 हफ्ते के प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। हमारे पेशेंट ने हमसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा कि बलून मैंने स्वॉलो तो कर लिया, उसके बाद मेरे अगले 16 हफ्ते कैसे बीतेंगे। लुक, ये बलून हमारी बॉडी में एक स्टमक के अंदर एक वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। तो फर्स्ट 5 डेज थोड़ा सा पेशेंट को डिस्कम्फर्ट रहता है, ऐसा फील होता है कि थोड़ा ब्लोटिंग है या क्रैम्प लग रहा है, कुछ खाने पर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है, बट हर दिन बेहतर होते जाता है। पहला दिन मुश्किल होता है, दूसरा दिन ज़्यादा आसान। पेशेंट अपने सारे रूटीन वर्क कर सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पेशेंट के लिए पहले 15 दिन और पहले 40 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज बलून स्टमक के अंदर रहने की वजह से आपके मेटाबॉलिज्म को एक पुश दे रहा होता है, एक बूस्ट दे रहा होता है। अगर मैं पहले 15 दिन और 40 दिन एक्सटर्नली या तो नींद से, डाइट से, एक्सरसाइज से, प्रोटीन इंटेक से, किसी भी और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से मेटाबॉलिज्म को और बूस्ट कर सकूं, तो मेरा वेट लॉस जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी मैं 10 से 15 की जगह 20-25% वेट लॉस भी अचीव कर सकता हूँ। इन द फर्स्ट 2 वीक्स, बिकॉज हम आपके स्टमक को ट्रेन करते हैं हाउ टू डाइजेस्ट फूड विद द बलून, यानी स्टमक को आदत नहीं होती है बलून के साथ फूड डाइजेस्ट करने की, तो आपका एक ट्रेनिंग पीरियड चलता है। जैसे छोटा बच्चा दूध से सेरेलैक, सेरेलैक से फ्रूट, फ्रूट से सॉलिड खाने पर आता है, सेम वे हम लिक्विड से प्यूरी, प्यूरी डाइट से सॉफ्ट, सॉफ्ट से सॉलिड पर जाएंगे। दिस ट्रेनिंग पीरियड इज समवेयर अराउंड 3-4 वीक्स, एंड वंस दिस ट्रेनिंग पीरियड इज कम्प्लीट, यू आर एबल टू डू ऑल योर एक्टिविटीज। इन द 16 वीक्स, लाइक आई सेड, पहले 40 दिन इंपॉर्टेंट हैं, विच इज़ अराउंड 1.5 महीना। उसके नेक्स्ट जो बाकी का बैलेंस पीरियड है फॉर 16 वीक्स, पेशेंट को अपनी हैबिट्स और अपने साइकी को मेंटेन करना ज़रूरी है, ताकि वो ये समझ सके कि उसके लिए क्या बेहतर है, उसकी बॉडी के लिए क्या सूट करता है, कौन सा प्रोटीन, कौन से कार्ब्स, कौन सा फैट अच्छा है हमारी बॉडी के लिए। दैट इज़ अबाउट इट।